Hey, what's up guys, welcome once again to all my YouTube channel on Kuwait Tehlka Information। दोस्तों पिछले वीडियो में गौरव जी ने मेरे को कमेंट करके बोला था कि अमजद भाई कोई वीडियो एक स्पेशल फॉर वीज़ा के लिए बनाइए कि कैसे क्या प्रोसेस रहता है वीज़ा का, कैसे हम कुवैत पहुंच सकते हैं, कैसे हम वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और कंपनी में अगर हम हेल्पर की जॉब करते हैं तो उसमें कितना हमें मंथली का मिलता है। ये सब चीज़ों के बारे में आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा और बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो के साथ छेड़खानी करेंगे, आगे पीछे करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि मैं तो आप लोग को स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूँगा और आप वीडियो को आगे पीछे करेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, पासपोर्ट आप अप्लाई कीजिए। पासपोर्ट अप्लाई अगर आप कर देते हैं उसके वन मंथ तलक आपका पासपोर्ट आ जाता है। फिर आपको पासपोर्ट आने के बाद ज़रूरत होती है PCC की। PCC सर्टिफिकेट होता है जिसका मीनिंग होता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आप कुवैत विज़िट नहीं कर सकते हो। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें PCC की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती है। गल्फ़ में ही कुछ ऐसी हैं जैसे कुवैत, सऊदी और बहरीन और कतर, ये कुछ कंट्रीज़ हैं उनमें PCC की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुवैत में एकदम लाजिम है। PCC के बिना आप यहाँ आ नहीं सकते। उसके बाद PCC आपका अप्लाई होने के बाद आ जाएगा, सेम वही प्रोसेस रहता है जैसे आपका पासपोर्ट का प्रोसेस रहेगा, वही सेम टू सेम PCC का प्रोसेस रहेगा। तो दोस्तों आपका PCC आने के बाद आप जाते हैं किसी मैन पावर ऑफिस पे जिसके पास परमिशन होती है वीज़ा की, सिर्फ उसी के ऑफिस पे आपको जाना होता। अगर दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं मैन पावर ऑफिस की, तो मैन पावर ऑफिस ये समझ लीजिए कि दिल्ली में आई थिंक 22 हैं, 22 या कुछ ऐसे ही, एक दो आगे पीछे भी हो सकता है। तो मैन पावर ऑफिस से अगर आप वीज़ा लेते हैं जिसके पास बाकायदा उसका लाइसेंस वगैरह सब चीज़ें हैं, उसका वर्क रजिस्टर्ड है, आप ऐसे ही ऑफिस पर जा कर के आप अपना वीज़ा वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और बहुत अच्छा भी रहता है वो, आपको ज़्यादा घुमाएगा फिराएगा नहीं। ये समझ लीजिए 1 से 2 महीने का टाइम तो लगेगा ज़रूर वीज़ा निकलने में, क्योंकि 2 महीने तो लगते ही हैं। जब भी मेरे को भी वैसे 3-4 देशों का मैं घूम चुका हूँ, 3-4 देशों में, जैसे भारत का तो मैं हूँ ही रहने वाला, नेपाल में घूम चुका हूँ, सऊदी अरब में घूम चुका हूँ और कुवैत में अभी मैं हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि 2 से 3 महीने तो लगते ही हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख सको। बात करते हैं वीज़ा कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि कुवैत में 3 प्रकार के वीज़े होते हैं। नंबर 1 कंपनी का वीज़ा, नंबर 2 सोन वीज़ा और नंबर 3 खादिम वीज़ा। ये कंपनी का वीज़ा जो रहेगा ये तो आपको पता ही है, आप 2 साल का आपका एग्रीमेंट हो जाएगा, 2 साल तक आप कंपनी में जॉब करते हैं, वो कितनी सैलरी फिक्स रहेगी। जैसे आप हेल्पर के वीज़े पे आते हैं कंपनी में तो आपकी सैलरी फिक्स रहेगी 100 KD या 90 KD, लास्ट 100 KD प्लस खाना एकामा और रूम वो कंपनी की तरफ से रहता है। चलिए फिर नंबर आता है आपका सोन वीज़े का। पहली बात तो सोन वीज़ा इतना आसानी से मिलता नहीं है, और मिल भी जाता है तो फिर अच्छा रहेगा कि सोन वीज़ा रहेगा आपका आज़ाद वीज़ा, आज़ाद वीज़ा हम इसको कह सकते हैं, ये आज़ाद वीज़ा ही रहता है। ये थोड़ा कॉस्टली भी रहता है, इंडिया के लगभग 3.5 से 4 लाख के करीब कॉस्टली होता है काफ़ी। उसके बाद नंबर आता है आपका खादिम वीज़ा। खादिम वीज़ा यानी घर के खाते में जो कोई आता है, जैसे ड्राइवर हुआ, खाना बनाने वाला हुआ, या फिर
क्लीनर हुआ, ये कुछ ऐसे खादिम विजय होते हैं जो घर के खाते में आते हैं, उनको खादिम बोलते हैं। उनका कॉस्टली रेंट नहीं रहता है, उसका आसान सा सब प्रोसेस रहता है और आसानी से उसको वीज़ा भी मिल जाता है। तो दोस्तों, कुवैत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे ये वीज़ा बहुत कम निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे उतनी आबादी नहीं है, सिर्फ मेरे ख्याल से 4-4.5 लाख के लोग हैं। ये समझ लीजिए दिल्ली जितना बड़ा है, दिल्ली से भी छोटा ही है कुवैत। लेकिन यहाँ का मैनेजमेंट इतना पावरफुल है ना कि मेरा दिल एकदम बाग बाग हो जाता है यहाँ घूम फिर के। क्योंकि एक तो यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत मस्त सिस्टम है, जे जो ट्रैफिक के यहाँ पे नियम है वो सब सभी लोग उनको फॉलो करेंगे, बाकी अगर कोई फॉलो नहीं करेगा तो उसका चालान बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि गाड़ी के पेपर लेके आओ साहब बुला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे कैमरास लगे रहते हैं। अगर आप मान लीजिए आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और सीट बेल्ट आपने नहीं लगाई है तो सामने कैमरा लगा हुआ है, आप उस कैमरे तक पहुँचोगे, उस कैमरे तक पहुँचने में समझ लो आपका चालान कट चुका होगा, क्योंकि आपकी जो नंबर प्लेट रहेगी गाड़ी की वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक है, तो सब चीज़ उसमें से आपका एडजस्ट हो जाता है। अच्छा, फिर बात करते हैं यहाँ पे, हम अभी पास लाइसेंस है जिसका वर्क एकदम रजिस्टर्ड है। हालांकि सभी लोग लाइसेंस जेब में लेके तो नहीं घूमते, लेकिन उनके ऑफिस के ऊपर एक बोर्ड लगा रहेगा, उस बोर्ड में उनका GST नंबर और ये वो पूरा सब चीज़ उसमें, लाइसेंस नंबर सब चीज़ें उसमें लिखी रहती हैं। तो कभी भी आपको किसी भी देश में जाने की ज़रूरत है तो सबसे पहले एक अच्छे एडवाइज़र से मिलिए, और उसके बाद आप अच्छे कंसल्टेंट से मिलिए जो आपको अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए दूसरे देश में विज़िट कराएगा किसी भी प्रकार से। मतलब आप चाहे आप घूमने के लिए जाएँ, चाहे आप वर्क करने के लिए जाएँ, चाहे आप वहाँ पे रहने के लिए जाए, जैसे भी जाए, तो उसके लिए आपको एक अच्छे कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है हमेशा। अच्छा कंसल्टेंट अगर आपको मिल जाए तो समझ लीजिए कि आप अच्छे से विज़िट कर पाएंगे और जॉब वॉब भी कर पाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। दोस्तों, अगर यहाँ पे हम बात करें लाइसेंस की, तो आपके भाई ने भी कुवैत का परमिशन लाइसेंस ले लिया है, जो कि ये मेरे हाथ में है, अभी आप देख सकते हैं, उसमें तो नंबर वंबर उल्टे नज़र आ रहे होंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सरकार की मोहर लगी हुई है और ये साइन भी हो रखे हैं, ये कोई फोटो स्टेट नहीं है, ये ओरिजिनल है। और ये आप देख सकते हैं 3/4/2022 को मैंने बनवाया था और 3/4/2023 तक इसकी वैलिडिटी है, एक साल बाद इसको रिन्यू करवाना होता है। तो इंडिया में भी कुछ ऐसा ही रहता है, लेकिन वो थोड़ा बड़ा रहता है लाइसेंस इंडिया का। तो जिसके पास ये लाइसेंस होगा, समझ लेना आपका काम आसान हो चुका है, आप उसी बंदे को चूज़ कीजिए और उसी के पास जाइए जिसके पास ये परमिशन है, तो आप बहुत आसानी से बिना किसी मुश्किल के आप किसी दूसरे भी देश में विज़िट कर सकते हैं। तो वैसे तो दिल्ली में भी आई थिंक 22 से ज़्यादा ही होंगे मैन पावर ऑफिस हैं, तो उनके पास वैकेंसीज़ आती रहती हैं गल्फ़ कंट्री से भी और इंग्लिश कंट्रीज से भी। तो इंग्लिश कंट्रीज़ के तो वैसे चंडीगढ़ में ज़्यादा मिलते हैं वीज़े, तो उनके पास आती रहती हैं 50-100-200 वैकेंसीज़। तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, फिर आप या फिर वो अपने ऐड भी डालते रहते हैं, जैसे इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, इनमें अपने ऐड भी डाल देते हैं। तो मान लीजिए इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच गई है, फिर आपको आप उनसे कॉन्टेक्ट करके उनके ऑफिस पे पहुंच जाएंगे, तो वो आपको वहाँ पे बुलाएंगे जब इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के लिए वो आपको वहाँ पे बुलाते हैं। इंटरव्यू मान लीजिए आपका क्लियर हो गया है, इंटरव्यू होने के बाद आपका मेडिकल करवाएंगे, मेडिकल होने के बाद मेडिकल भी आसानी है, इतना मुश्किल नहीं है, उसमें एक्सरे वगैरह होता है, यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है और आइज टेस्ट होता है। तो उसकी फ़ीस आई थिंक रहती है 4,000 से 7,000 तक, वो दो ऑप्शन उसमें मिलते हैं, एक तो 4,000 का मेडिकल होता है, एक 7,000 का। तो फ़ायदा हमें 7,000 वाले मेडिकल में ही रहता है, गम का मेडिकल बोलते हैं उसको। मेडिकल होने के बाद शाम तक आपकी रिपोर्ट आ जाती है, और शाम तक रिपोर्ट आने के बाद आप मेडिकल रिपोर्ट और PCC और अपना पासपोर्ट वहाँ ऑफिस में छोड़ आते हैं। ऑफिस में छोड़ने के बाद
आप वापस घर चले जाते हैं, आपका काम वहाँ से ख़त्म हो चुका है। समझ लीजिए 1 से 2 महीने का टाइम लगेगा, 2 महीने तक आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। काम कंप्लीट होने के बाद आपको बंदा फ़ोन करेगा कि आपका वीज़ा स्टाम्प हो चुका है, और वीज़ा स्टाम्प होने के बाद आप फ़्लाइट, आपकी मर्ज़ी है आप कौन सी डेट की फ़्लाइट लेना पसंद करेंगे, तो जिस डेट की आपको फ़्लाइट चाहिए होती है आप वो चूज़ कर लीजिए, और बहुत आसानी से आप किसी भी दूसरे देश में जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का कभी भी कोई सवाल रहता है गल्फ़ कंट्रीज़ को लेकर के, तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं बैठा हूँ इसी काम के लिए कि मैं आपके सवालों के जवाब दूँ, और अच्छे से मैं आपके सवालों के जवाब दूँगा, और उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा ताकि आपको बहुत अच्छे से आपके समझ में आए कि आप किस, आपका सवाल क्या है, उसका जवाब मैं बहुत अच्छे से दूँगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।